आज संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई है, काफ़ी मुद्दों पर चर्चा की है। सबसे पहले मीडिया को बता दिए कि मानसून सेशन पार्लियामेंट का आने वाला है, जो 19 तारीख को शुरू होने जा रहा है। हमने फैसला किया है कि सबसे पहला 17 जुलाई नूं जो राजनीतिक पार्टियां, जो विरोधी पार्टी है, सभी को घर में जाकर एक चेतावनी पत्र देंगे कि जहाँ तो संसद में चुप तोड़ो तो जहाँ कुर्सी छोड़ो। ये उनके लिए हमारा प्रोग्राम है। बीजेपी के जो एमपी है जहाँ उसके रिलायंस के एमपी है, सभी के दरों पर प्रदर्शन होंगे और जो बखरे है विरोधी पार्टी है उसको चेतावनी पत्र दिया जाएगा। ये 17 तारीख का प्रोग्राम है आपका। उसके बाद 19 तारीख को संसद बैठना है, तो 20 तारीख को 23 तारीख को छुट्टी है, 22 तारीख को हमने फैसला किया है कि एक बड़ा जत्था सिंघू बॉर्डर से बच्चा में जाकर संयुक्त मोर्चे के बैनर लगाकर वो बड़ा जत्था पार्लियामेंट वल जाएंगे। विरोधी नेताओं को कहेंगे कि अंदर रौला पाए, जब तक कानून नहीं रद्द होंगे तो सेशन ना चले, तो अभी लोग बाहर बैठकर रौला पाएंगे कि तिन्ने कानूनों को रद्द करो। इस पार्लियामेंट सेशन की 20 बैठकें होनी है, 20 बैठकें में ही जाएंगे। जब भी बैठक होगी तो अभी संयुक्त मोर्चा में फिर एक जत्था लेकर जाएंगे, तो वही प्रोग्राम जो पहले 22 तारीख को करेंगे बार बार वही दोहराएंगे। ये दो अहमियत वाले जो प्रोग्राम हैं आपके। एक तीसरा प्रोग्राम पहले ही दिया हुआ, जो डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें समानी चढ़ गया हुई, सभी लोगों के लेने के उन्होंने समर्थता से बाहर हो गया है, उसको लेकर जो भी व्हीकल चलते हैं वो डीजल पर चलते हैं, वो पेट्रोल पर चलते हैं, वो कारा है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, वो ट्रक है, सभी जड़े नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है उन्हों पर खड़े कर देंगे। और खाली सिलेंडर भी लेडीज नूं कहेंगे कि उस पर लेकर जाएं। ये बड़ा प्रदर्शन साडा पूरे इंडिया का प्रदर्शन है। ये तीन प्रोग्राम आपने पास किया है। एक पंजाब की तरफ से पहला ही प्रोग्राम दिया था कि 6 तारीख नूं CM का जो रहायश है मोती महल, उसको का खराब करेंगे। उसका मुद्दा था कि जो पैडी सीजन की सप्लाई है बिजली की, वो 8 घंटे मिलती थी, उसको 4 या 5 घंटे पर आ गई थी। जब आपने अल्टीमेटम दिया 5 तारीख तक का कि अगर 5 तारीख तक सप्लाई ना ठीक हुई, घरेलू सप्लाई जो 24 घंटे चलती है और खेती मोटरों की सप्लाई, तो 6 तारीख को खराब किया जाएगा। हुण असीं पंजाब सरकार को चेतावनी देते हैं कि कुछ ठीक हुआ है, 7-7.5 घंटे बिजली मिलने लगी है। असीं ये जिहड़ा 6 तारीख वाला प्रोग्राम है, जो खराब का प्रोग्राम सीगा CM का, कैप्टन अमरिंदर का, उसको पोस्टपोन करते हैं। अगर फिर सप्लाई में कोई विघ्न पिया तो फिर दोबारा डेट तय करके फिर खराब करेंगे। अगला प्रोग्राम राज्यपाल दोस्तों, जैसे प्रधान जी ने बताया कि मोर्चा पूरे अपने जोबन पे चल रहा है और 19 तारीख से पार्लियामेंट सेशन है। हमने तय किया है कि 17 तारीख को जो अपोजिशन पार्टीज के MPs हैं उन सबको एक चेतावनी पत्र देंगे, जिसमें उनसे ये अनुरोध करेंगे कि या तो वो ये तीनों कानून और MSP के कानून के बारे में हमारी बात पार्लियामेंट में लगातार उठाएं, लेकिन ये साथ में शर्त रहेगी कि वॉकआउट करके सरकार को मौका ना दे कि वो बाद में जो बती करती रहे। लगातार ये मुद्दा उठाते रहें, चाहे कुछ भी हो फेस करें, उतनी देर संसद को ना चलने दें जब तक सरकार इस मुद्दे पे बोलती नहीं।
एक तो ये तय किया है, दूसरा 22 तारीख से हर रोज सारी जथेबंदियों की तरफ से 5-5 किसान हर जथेबंदी के वो सैकड़े किसान बन जाएंगे, वो हर रोज पार्लियामेंट को कूच करेंगे और उसके साथ ही सभी एमपी को कहा कि आप अंदर इस मुद्दे को उठाइए, सदन नहीं चलने देना, हम बाहर से इस मुद्दे पे आवाज उठाएंगे, पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाके पार्लियामेंट के सामने हम इस मुद्दे को उठाएंगे। तो ये जिस दिन तक पार्लियामेंट का सेशन लास्ट सेशन है उस दिन तक ये कंटिन्यूसली इसका विरोध होता रहेगा पार्लियामेंट का, अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती। तो बाकी प्रधान जी ने बताया 8 तारीख का सारे देश में मुद्दा है बहुत बड़ा, डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इसके खिलाफ हमने तय किया कि 10 से 12 बजे तक जहां भी आप खड़े हैं, आपके पास ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कोई भी व्हीकल है, वो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे लाके खड़ा करेंगे, लेकिन ट्रैफिक जाम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये भी बड़ा स्पष्ट है कि ट्रैफिक जाम का हमारा प्रोग्राम नहीं। हमारी बहनें गैस सिलेंडर लेके वो भी सड़कों पे आएंगी ताकि सरकार को जगाया जा सके। सरकार खुद अपना खजाना भरने में लगी हुई है, 94% एक्साइज ड्यूटी और आमतौर पर वैट में लाके 94% बनता है नॉर्थ इंडिया में, तो आधे रेट हो सकते हैं अगर सरकार लोगों की तकलीफ समझे तो। इसलिए हमने तय किया कि उस दिन सारे देश में हर आदमी, हर शहरी अपना व्हीकल 10 से 12 बजे तक सड़क पे खड़ा करेगा। और अखीर में 12 बजे अपने हर व्हीकल का 8 मिनट के लिए हॉर्न बजाएगा। धन्यवाद सर। गुरनाम सिंह चढ़ूनी। वैसे तो ज्यादा बात हमारे से पहले बोलने वाले ने बता ही दी है, कोई नया ज्यादा बात नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पहले बोलने वाले राज्यपाल जी ने और बाकी लोगों ने जो बात बोली है, उसके अलावा एक हरियाणा का छोटा सा मुद्दा अलग से है कि यहाँ पे एक खोरी गांव है फरीदाबाद में और वहाँ 1 लाख की आबादी है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उजाड़ने का उसको आदेश दे दिया है। तो वहाँ पे एक दिन पहले भी हम गए थे और उस दिन वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया था, मेरे से पहले जाने से पहले हमें भी वहाँ रोक दिया था, फिर हम वहाँ पे धरने में बैठे और उसी वक्त खट्टर साहब का बयान भी आया था कि हम मुआवजा देंगे, हरियाणा वालों को देंगे, तो थोड़ा सा उसमें क्लियर उन्होंने नहीं किया। तो वो बेसहारा लोग हैं वहाँ के और 1 लाख की आबादी है जिनको निकाल के सड़क पर फेंका जा रहा है और बहुत गरीब लोग हैं। तो उसके लिए हमने 6 तारीख का प्रदर्शन रखा है पीएम हाउस पे 6 तारीख का प्रदर्शन रखा है दिल्ली में। और हमारी मांग है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दे भी दिया है तो उसके बाद भी सरकार के पास रास्ते होते हैं उस जमीन को फॉरेस्ट से लेके अपने पास ले ले सरकार और उनको वहीं अलाट कर दे, ये भी तरीका है। और दूसरा उनको अलग जगह दे दे, वो भी तरीका है। और बुरी बात उसमें ये है कि वहां पे 7 5-स्टार होटल हैं, 7 बड़े होटल हैं जिनमें से एक को भी नहीं गिराया जा रहा और उन लोगों का पानी बंद कर दिया, उन लोगों की बिजली बंद कर दी। तो वो एक मतलब पूरे देश के अंदर हम पहली बार ये देख रहे हैं कि जहाँ पे 1 लाख तो शहर की आबादी होती है, वो गांव की आबादी 1 लाख है, इतना आप सोच सकते हो वहाँ क्या पोजीशन होगी, और उनको बिल्कुल निकाल के सड़क पर फेंकने का आदेश दे दिया। तो उसके लिए 6 तारीख को एक पीएम उस पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। और जहाँ तक हमारे आंदोलन का सवाल है, ये आंदोलन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते और हम हर हफ्ते में 10 दिन में एक जथा भी लेके आ रहे हैं और उसी के तहत अब कल चंडीगढ़ से जथा ले गए थे, चंडीगढ़ और मोहाली के लोगों का, पंचकुले के लोगों का जो शहरी लोग थे, बड़ा अच्छा जथा लेके आए हैं और उसके आगे भी ये जथे लेके लगातार आते हैं। थैंक यू। अच्छा राजू जी,
एक मिनट, राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बात करना है। राजू जी हैं, राजस्थान की ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद सवाल ले लेना। साथियों, राजस्थान के किसान भी बढ़ चढ़ के जितनी स्थिर किसान मोर्चा में फैसला हुआ है, चाहे R3 को ट्रैक्टर बार लेके आना है, जो उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू की थी और लोगों की सिलेंडर बनाने की क्षमता खत्म हो गई है, 17 जुलाई का MP का घराव, चुप्पी तोड़ो कुर्सी छोड़ो वो भी करेंगे, 22 तारीख को जो संसद कूच का है उसमें भी हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार का नारा था भी हम पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे। जैसे पंजाब वालों ने CM घराव की बात की, उसी तरह से हमारा राजस्थान में नहरी पानी को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है, कल से वहां आंदोलन चालू है हमारा। तो हम दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं। पिछले साल 3.5 लाख क्यूसिक पानी पाकिस्तान को चला गया और राजस्थान पंजाब पे ऐसा बैठा है। आज नहरी तंत्र इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। हमारी नहर 1927 में बनी थी और दुनिया की पहली पक्की नहर है और इसका इतना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, इतना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक लोग देख नहीं आते थे। तो मैं आपके मंच, इस मंच के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान वाला जुमला निकला आपका, उस पर भी ध्यान दो। और साथ ही साथ जितने भी कॉल किसान मोर्चा ने दी है, पहले रास्ता किसान ने फॉलो किया, आगे फॉलो करेंगे। और कल हमारा शाहजहाँपुर मोर्चे पे हमने ड्यूटी लगा रखी है, राजस्थान नगर और गैसों को ब्लॉक का जत्था एक शाहजहाँपुर मोर्चे पे रवाना होगा। शाहजहाँपुर मोर्चे भी लगातार नफरी बढ़ रही है, सीकर से जत्था आया था, बलगंगानगर से आया था, कल हमारे 2 ब्लॉक वहां पहुंचेंगे। आंदोलन को मजबूती मिल रही है और जो हमारा नारा नहीं है, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, जो नारा नहीं है जब करके दिखाएंगे, MSP का अधिकार लेके रहेंगे। धन्यवाद। आज हरियाणा के संगठनों पे वो किया है संयुक्त मोर्चे की तरफ से, कोई भी सियासतदान किसी भी मंच को साझा नहीं करेगा, चाहे विधायक हो, सांसद हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो। ये जितने भी हमारे टोल टैक्स हैं या धरने चल रहे हैं, उन पे खास तौर से जो साथियों को वो है, किसी भी सियासतदान चाहे MLA हो चाहे सांसद हो, उसको मंच साझा ना करने दें। साथियों, आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चली 3 घंटे, जिसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए गए हैं। एक अहम फैसला तो ये है, कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे जितने टोल प्लाजाओं पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और बॉर्डर पर जितने धरने चले हुए, उनको मंच साझा नहीं करने दिया जाएगा। दूसरा फैसला, हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंध कमेटी हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिली थी, जिसमें हमारा एक संयुक्त मोर्चे का मेंबर, उसमें वो उस संस्था का भी जनरल सेक्रेटरी है, उसमें संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया है आगे से वो उसमें नहीं जाएंगे उन मीटिंगों में, क्योंकि मुख्यमंत्री का हमने तो पूरी सरकार का विरोध कर रखा है। तो वो हमारा एक साथी चला गया था, तो संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया है, वो संज्ञान लिया उस पर, आगे से हमारा कोई भी संयुक्त किसान मोर्चे का सदस्य ऐसे सिख प्रबंध कमेटी के मिशन पे उनके साथ नहीं पहुंचे। कौन गया था जी? हमारे जसवीर सिंह भाटिया है, जनरल सेक्रेटरी है हरियाणा सिख प्रबंध कमेटी। आपका परिचय जी? वीरेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्लाजा हटाओ संघ समिति। चलो लो जी, सर, पंचायत चुनाव जिस तरह से बंगाल में आप लोगों ने प्रचार किया था, क्या हरियाणा में भी किया जाएगा? जी बिल्कुल किया जाएगा, हरियाणा में पंचायत चुनाव आ रहे हैं और हमारा वहाँ पे कहना ये है कि जो आदमी इस आंदोलन में कोई सहयोगदा कर रहा हो, जिसने इस धर्म युद्ध में कोई सहयोग ना किया हो, उसका पूरी तरह बहिष्कार करें, उसको कोई वोट ना डाले। और जो आदमी इस आंदोलन में सबसे ज्यादा सहयोग करे, जनता भी उसका सबसे ज्यादा सहयोग करे, क्योंकि ये धर्मयुद्ध है। हम ये नहीं है क्योंकि अपने इसमें आदमी उतार रहे हैं क्या है, लेकिन एक लोगों को इस बात का झटका देने के लिए कि जो हमारे नुमाइंदे हैं वो जनता के लिए होते हैं, ना कि जनता नुमाइंदों के लिए।
तो आपने फैसला कर लिया गुरुनाथ जी की चुनाव होंगे, पंचायती चुनाव होंगे, उसमें जो आंदोलन का जो समर्थन नहीं करे उनको वोट नहीं दी जाएगी? ये हमारे संगठन की तरफ से फैसला, संयुक्त किसान मोर्चे में ऐसी अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन हमारे संगठन का फैसला है, उसमें ऐलान करेंगे। संयुक्त मोर्चा तो मतलब ये तो पूरे देश का है, पूरे देश का तो अलग अलग मैटर है, लेकिन हरियाणा में जो हमारा संगठन है उसका ही फैसला। राज्यवाल जी, जो संसद के बाहर प्रदर्शन होगा, वो जो जत्था जाएगा, उसमें कितने लोग शामिल होंगे, कितने किसान शामिल होंगे? देखो, कम से कम 200 ज्यादा भी संख्या हो सकती है, क्योंकि 5 आदमी हर संगठन के हर रोज जाएंगे, एक दिन ही, हर रोज जिस दिन भी सेशन होगा उस दिन वो जाएंगे और जाके पार्लियामेंट के सामने डेमोंस्ट्रेशन करेंगे। पैदल मार्च करेंगे या फिर किसी नहीं, वो बसेस भी जाएंगे। आगे की रणनीति किस तरह है? फिलहाल जितना तय किया वो आपको बता दें। कृषि मंत्री ने भी कहा, दोबारा केंद्रीय मंत्री ने, कि कानून वापसी नहीं होगी। वो शर्तों के साथ कहते हैं, वैसे बातचीत नहीं हो सकती, हम तैयार हैं बातचीत के लिए, लेकिन कानून वापसी लाजमी है। जिस तरह कह रहे हैं कि हम संशोधन कर देंगे, वार्ता शुरू की जाए। देखिए, ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें उनका दखल देना बनता नहीं है, सिर्फ राज हट है, इसलिए सरकार खड़ी हुई है। लीगली और सोशली सरकार का बिल्कुल कोई हक नहीं बनता ये कानून बनाने का। जिस तरह यूपी और उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, किस तरह जैसे बंगाल में किसान पहुंचे थे, प्रचार किया था, यहाँ भी कुछ ऐसी रणनीति की स्वीप मोर्चा? नहीं, फिलहाल हम यहाँ सारे यूपी को और सरगर्म करने के लिए प्रोग्राम लीग रहे हैं, लेकिन वोट की राजनीति, जैसे वोट की चोट बंगाल में की, वो अभी हमने डिसाइड नहीं की। थैंक यू।